हमें लगा था देहरादून में भी हमें ज्यादा जल्दी जल्दी आने पड़े हैं। आप नजदीक कहाँ से आए भगवान? अच्छा यहाँ कहाँ रहते हो देहरादून में? अच्छा आईसी बस अड्डे के पास पहली बार आए? किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? हम भी पहली बार आए। धाम आना है हाँ, बालाजी की दया, उन्हीं की कृपा से हो रहा है। हम तो नालायक मूर्ख हैं भैया। हाँ नहीं 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 क्या समाधान आप चाहते हो? हाँ और कोई बात? सदा ठीक है वो भी। हाँ हम रख देंगे, ले अब और पूछो। हम रखेंगे, पूछो। हाँ पूछो, ले खुश रहो, बोलो। ठीक है एक प्रश्न पूछो, फिर भी पूछ लो। जैसे बहुत सारे में कुछ विशेष? अरे ऐसा नहीं, पूछ लो कोई बात नहीं। काम का है कुछ? ठीक उस पर क्या चाहते हैं आप बालाजी, क्या चाहते हैं उसमें? ठीक है उसमें भी हो जाए, बुद्धि विचित्र बीच बीच में हो जाती है तो सुधर गए आज से? हनुमान जी, हनुमान जी ठीक। एक नया काम आपको डालना चाहिए आय के स्रोत के लिए। घर पे भी बहुत उपद्रव है, बहुत ज़्यादा भक्ति है हनुमान जी की करो, ये तनाव स्ट्रेस तुम्हारा दूर हो जाएगा। समझ गए आज के बाद कैसे हमें तुम्हें छीलने तो लाइव में, लेकिन हमने कहा तुम्हारी बेइज्जती ना हो गई तो हम तुम्हें बिना लाइव के छील रहे। ठीक है ये मत समझना कि हमें पता नहीं, तुम्हारे जितने पगुआ चलते हैं वो भी हमें पता है, तुम कितने लोड होते हो पीकर वो भी हमें पता है, हमें ये भी पता है कि तुम धाम के दरबार में किस लिए आए थे, लेकिन आज के बाद शिकायत नहीं। खुश? अब समझ गए हमें पता चलता है, बोलो। आज से हमें शिकायत ना मिले, कुछ नहीं हम जानते। प्रण लो, कान पकड़ो, क्षमा मांगो। जा खुश रहो, आशीर्वाद आना ही है जीवन भर, खुश रहो। सीताराम साधु जी।